सज्जनों, पहले हर इंसान जब सुबह उठता था तो पहले यज्ञ करता था, उसके बाद खेत का काम करता था, किसी भी जाति का हो। इस बात से कोई मतलब नहीं, किसी भी जाति का हो। पहले इंसान उठता था, यज्ञ करता था, उसके बाद खेत का काम करता था। वो पहले का जमाना। अब मैं आज से 20-25 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं। अपने इस गांव में जो हमारे बूढ़े वाले पंडित जी थे, नाम तो मुझे याद नहीं रहा, तो अमावस्या वाले दिन कथा कहने का नंबर नहीं आता था उनका। पंडित जी हमारे यहां सत्यनारायण भगवान की कथा करे हो तो पंडित जी कहते थे, लल्ला भाई तो 5-6 घर करके तब आऊंगो। तो हमारी माताएं कहती थी, पंडित जी कुछ खा लो, थोड़ो खा लो, कुछ खा लो, तो कहते पेट में जगह ही ना है भाई, 3 जगह और जानो है, ले बांध जाने। अब पंडित जी फिर बांध के लाते, बेचारे खाए को जगह ही ना, खाए कहां से। इतना ब्राह्मणों से स्नेह इस गांव में था। सोचने की बात है, थोड़ा दिमाग पर इस बात का प्रेशर डाल के सोचना। गांव में जब निकलते तो जब पंडित जी शंख फूकते तो सारे मोहल्ला में आवाज हो जाती थी, और जहां तक शंख की ध्वनि जाती है, ये भागवत का प्रमाण है, जहां तक शंख की आवाज जाती है तहां तक दुख दरिद्र रोग भाग जाते हैं, तहां तक गरीबी भाग जाती है जहां तक शंख की आवाज जाती है। मोहल्ला में जब निकल के देखते तो घी की खसबोई खसबोई, ले बालक को प्रसाद, ले बालक को प्रसाद, बालक बता से ले फिरते गले में। अमावस निकल जाते हैं, पूर्णमासी निकल जाते हैं, बालकंड को बता से खाए को ना मिल रहे। अब पंडित जी महाराज देखते रहते, अब तो अमावस्या को निमंत्रण ही ना आता। सोचने की बात है, पहले हम और तुम कितने गरीब थे, बाजार हो गई ना हुई, चाची तो ना हुई, और अब कुछ पूछो ही मती, पैसा मारो फिर रो है खाते में। अब खातों में पैसा मारा फिर रहा है बैंक में, फिर भी पंडित जी को खाए को नाम ना है, देखो ये दशा। तो सोचना चाहिए, अगर हम साल में नहीं कर पाए तो 6 महीने में, 6 महीने से पहले 3 महीने में, और 3 महीने में नहीं तो हर पूर्णमासी या फिर अमावस्या को अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा करा के हमें एक ब्राह्मण को भोजन करा देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवत कह रही है। क्यों? उस भोजन ब्राह्मण के ग्रहण करने से, उस सत्यनारायण भगवान की कथा संपूर्ण घर में होने से हमारे घर के दुख दरिद्र रोग भाग जाते हैं। अरे डॉक्टरों को दे देंगे 4-4 हजार, 5-5, 10-10 हजार, लेकिन 100 रुपए की सामग्री लाके घी की अपने घर पर पंडित जी को बुला के कथा नहीं करा सकते। ये सबसे बड़ा दुख है हमारे और आपके जीवन में। तो ध्यान रखना, जो हमारी यहाँ पर माताएं हैं वो इस नियम को बना लो, कभी दुखी नहीं रहोगे। अब तुम सोच रहे हो तुम कितना करते हो, तो हमारी तो छोड़ो, हम तो अपने मंदिर पर और घर पर भी करते रहते हैं। हम तो जब थाली होते तभी झोला भरो सामग्री को और चल पड़े मंदिर की ओर। देखा होगा मंदिर जंगल में, तभी हवन कर देते हैं जब धाम मिलता है तभी। तो हमें प्रत्येक घर में हर पूर्णमासी को या अमावस्या को बांध लो, एक ब्राह्मण को भोजन करा के हमें अपने घर पर एक सत्यनारायण भगवान की कथा करानी चाहिए, जिससे हमारे घर की शुद्धि होती है। अब यहां पर आप कह रहे होंगे क्यों, तो यशोदा मैया ने वही काम किया। गर्गाचार्य को बुलाया, बाबा सत्यनारायण भगवान की कथा कराऊंगी, मेरे यहां कथा कर दियो। अब कन्हैया की उम्र 2.5 साल की, और कृष्ण आंगन में घोंटू घोंटू खेल ले, और बाबा ने सत्यनारायण की कथा करनी प्रारंभ करी। कन्हैया बड़े ध्यान से सुन ले, बाबा मेरी कथा कह रो है, मैं तो बड़ो छोटो सो, और बाबा मेरी कथा में लगो पड़ो है। यशोदा ने पूड़ी बनाई, खीर बनाई, थाली पड़ोसी,
और गर्गाचार्य ब्राह्मण मुनि के सामने रखी, लो बाबा भोग लगाओ ठाकुर जी को और तुम भी खाओ और खुद ठाकुर जी को खिलाओ, और मैं रसोई में चली पूरी सिक रही हूँ और सेक लाऊ। ऐसे ही पहली अम्मा करती थी बूढ़ी बूढ़ी, ले पंडित जी तुम खाओ मैं और सेक लाऊ गरम गरम तुम आता है। अब भगवान कृष्ण गर्गाचार्य मुनि ने थाली सामने रखी, दोनों हाथ जोड़े, ठाकुर जी को ध्यान करना शुरू करो, आ जाओ प्रभु भोग लगा लो ठाकुर जी आ जाओ। और कृष्ण बहुत दूर खेल ले और बेभागे घोटू घोटू, मैया ने एक पांव पैर में एक घुंघरू और बांध दियो घुंघरू, छम छम करके कृष्ण भाजे, और कृष्ण ने अपने दोनों हाथ गर्गाचार्य मुनि के सामने जो खीर की थाली रखी उस थाली में देके कृष्ण खाने लगे, बोल कृष्ण भगवान की। और जब कृष्ण खाने लगे गर्गाचार्य की आंखें खुली, यशोदा अरे जल्दी आ, यशोदा रसोई से दौड़ी का है गो, देख तेरे लाला ने देख जी का करो है, मेरे ठाकुर जी को भोगो ना लगन दो तब तक तो मेरी थाली भी झूठी कर दी। यशोदा ने कृष्ण को पकड़ो दूर जाके छोड़ा, एक कटोरी में खीर दी एक पूड़ी दी, ले लाला तू यहाँ खा ले। अब कृष्ण मिट्टी में सने हुए और वहां खीर खा रहे हैं। कन्हैया बोले बाबा बुलाएगो फिर दौड़ूंगो, मानने वाला मैं हूं नहीं। दूसरी थाली साफ की, यशोदा ने खीर पूड़ी फिर पड़ोसी फिर बाबा के सामने रखी, और बाबा ने फिर आंखें बंद करी, पंडित जी महाराज फिर मंत्र पढ़न लगे, मंगलम भगवान मंगलम गणो ध्वजा मंगलम बुद्धि काक्षम मंगला यत्नो हरि, आ जाओ प्रभु भोग लगा लो। और कृष्ण बा खीर और पूड़ी को छोड़ के फिर भागे, और कृष्ण ने वही काम फिर किया, खीर को उठाया फिर खाने लगे, आंख खुली यशोदा देख ले ये फिर ना मानो। यशोदा आई कान पकड़ो एक गाल पे गुलचा दयो, मैंने तो तुकू खीर भी दई पूड़ी भी दई पर तू भा क्यों नहीं खाए रो। कृष्ण बड़ी तोतली भाता में बोले मैया मेरो ता दोत है दा बाबा ती पूतल है दुमो को बाल बात क्यों बुला लो। आहा यशोदा ने की तुम बुला रहे हो कृष्ण को। गर्गाचार्य मुनि के नेत्र खुल गए और कृष्ण के मिट्टी में सने हाथ कृष्ण को उठा लिया छाती से लगा लिया। वारे वाह प्रभु मैं तो नामकरण करके गया था मैं भूल गया कि तुम अंतर्यामी हो। गर्गाचार्य की आंखों से आंसू बहने लगे। यशोदा बोली बाबा छोड़ो इसके हाथ मिट्टी में सड़ रहे हैं। गर्गाचार्य बोले ऐसी संपत्ति अगर किसे मिल जाए तो कौन छोड़ने वाला, बाबा तुम रो क्यों रहे हो। जवाब दिया मैं रो कहां रहा हूं, मेरे तो ये प्रेम के आंसू मेरे गोविंद के लिए निकल रहे हैं। वारे वाह यशोदा बोली बाबा मेरे लाला से इतनो स्नेह है गयो। जवाब दियो ये तेरो लाला नहीं ये तो जगत को अंतर्यामी है। अरे मैं तो गोविंद को भोग लगा रहा था लेकिन ये तो सच्चो गोविंद तेरे घर में बनो बैठो है। कन्हैया ने उंगली मुंह पर लगाई दी चुप क्यों। गर्गाचार्य कृष्ण का इशारा समझ गए। उंगली कृष्ण ने मुंह पर इसलिए लगाई कि ज्यादा बखान करोगे तो यशोदा फिर मोकू बेटा नहीं मानेगी, फिर मोकू भगवान मानने लगेगी और मेरे घर जो लीला है रही है वह लीला में बाधा है जावेगी। यशोदा के जो कुछ समझ में आया कृष्ण ने योग माया को इशारा दिया बोले भुला दो सब। सो यशोदा पलक मारते ही सब भूल गई। वारे वाह कृष्ण इस प्रकार की वाल लीला अपने घर यशोदा के आंगन में कर रहे हैं। ये वाले और 20 रुपए राम बिशन सनोब सुरेश कुमार जी, 30 रुपए प्रदीप यादव, 10 रुपए कपिल यादव, 20 रुपए कल्याण यादव, 10 रुपए शिवा यादव सनोब दुर्वेश कुमार, 10 रुपए कुमारी कंचन सुपुत्री सूरज ये जो ढोलक बजा रहे हैं, 10 रुपए नीलम हेमतपुर से, 20 रुपए हर्षिका डॉक्टर अशोक कुमार भैंसरोली से, 50 रुपए कुमरपाल सनोब रतन सिंह जी और 10 रुपए श्रीपाल, 101 रुपए श्रीपाल ये हमारे वही श्रीपाल भैया हैं जिन्हें बिगाड़ा भैया कहते हैं उर्फ कुत्ता वाले, और 10 रुपए बहन जी सावित्री ये भगवान के चरणों में भेंट कर रही हैं। भगवान कृष्ण इस तरह से बाल लीला ब्रज में कर रहे हैं।
है।